a shot with me. I'm travel, I'm fast, I'm clean. I'm from this land, one man done conquered it all. And it stings, but let me say, you'll thank me yet one day. It's the price that we all must pay. Namaskar, main Shweta Soni, aap sabhi ka The Masala Studio mein swagat karti hu. आज हमारी किचन में बनने वाला है सूजी टोस्ट। सारे बैचलर्स के लिए ये तो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो लोग अलग रहते हैं घर से, उनके पास ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं किचन में बनाने के, क्योंकि ना उनको कुछ बनाने आता और ना ही उनके पास ऑप्शंस होते। तो ये सूजी टोस्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है, और ये इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और बच्चों के लिए तो फेवरेट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द मसाला स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट हमारी रेसिपी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक कप सूजी, एक कप दही। सूजी मैंने बारीक वाली ली है। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, एक कटी हुई शिमला मिर्च, एक गाजर घिसी हुई, दो हरी मिर्च कटी हुई, और एक चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है, आप डोमिनोज के चिली फ्लेक्स और ओरिगैनोज आते हैं, वो भी डाल सकते हैं, और इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी एक चम्मच पिज्जा सीजनिंग। अब बारी है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर की, नमक स्वाद अनुसार, और इन सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी। ये सूजी मिक्सचर हमारा तैयार है। अब मैं लूंगी ब्रेड स्लाइस, इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस, इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ब्रेड पे। और फिर मैं इसमें डालूंगी ये सूजी मिक्सचर, और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और इसमें मैं डालूंगी ऑलिव्स, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं पैन में थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। पैन हमारा गरम था, अब मैं इसमें डालूंगी ये हमारी ब्रेड, और इसको हम एक साइड से क्रिस्पी करेंगे लो फ्लेम पे, और फिर हम इसको दूसरी साइड से भी क्रिस्पी करेंगे। सूजी का मिक्सचर हमारा अच्छे से चिपक जाएगा। ये एक साइड से क्रिस्पी हो चुकी है, हमारे क्रिस्पी सूजी टोस्ट तैयार है। आप इसे खाकर जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ये एक बार ट्राई करना तो बनता है। I don't want you.